बेसिक एंड इजीएस्ट ट्यूटोरियल फॉर सेल्फ हेयर कट। 15 मिनट पहले अपने बालों को एक माइल्ड शैम्पू से जरूर धोएं। आपको साइड से चीर निकालनी है और ऊपर के बालों को पिनअप करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज हिमांशु यदुवंशी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ यू कट योर हेयर एट होम। इस वीडियो में मैंने पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताई है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। वी ऑल नो दैट हर लड़की के लिए वेल ग्रूम होना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप बहुत टाइम तक हेयर कट नहीं करवाते हो या बियर्ड ट्रिम नहीं करते हो वो अनहाइजीनिक लगता है। लेकिन इस पेंडेमिक के टाइम में आफ्टर फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव यू कॉन्ट रिस्क योर लाइफ योर फैमिलीज लाइफ टू गेट अ हेयर कट एट सैलून। सो घर पे ही बेसिक इक्विपमेंट के साथ हेयर कट करने के लिए दिस इज द बेसिक एंड ईजीएस्ट ट्यूटोरियल फॉर सेल्फ हेयर कट। अब बेसिक इक्विपमेंट जो आपको चाहिए होंगे, अ ट्रिमर विद डिफरेंट एडजस्टमेंट, अ कॉम्ब विद स्मॉल ब्रिसल्स, अ सीजर, टू मिरर, एक बड़ा मिरर जिसमें देखकर हम हेयर कट करेंगे, और एक छोटा हैंडी मिरर टू कट योर बैक हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सम पिंस टू होल्ड योर अपर हेयर सो वो नीचे नहीं गिरे और कुछ भी साइड से या पीछे से गलत ना कटे। आपने देखा होगा जब आप हेयर कट करवाने जाते हो तब बार बार आपसे हेयर वॉश के लिए पूछता है, उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होता है, क्योंकि जब आप सोते हो या आपके बालों में तेल लगा होता है तब आपके बाल चिपके होते हैं जिससे वो अनइवन कट सकते हैं या आपको वो डिज़ायर्ड स्टाइल नहीं मिल पाती है। सो एवर यू कट योर हेयर मेक श्योर कि आप 15 मिनट पहले अपने बालों को एक माइल्ड शैम्पू से जरूर धोएं। द फर्स्ट स्टेप वॉज पिनिंग, आपको साइड से चीर निकालनी है और ऊपर के बालों को पिनअप करना है, बिकॉज वाइल यू यूजिंग ट्रिमर वो नीचे ना गिरे और आपको डिज़ायर्ड स्टाइल मिले। अब जब आप साइड से फेड करेंगे तब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, टेपर चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए या हाई चाहिए। अब आपने जो डिसाइड किया है उस हिसाब से ट्रिमर के साथ जो कॉम होते हैं उन्हें एडजस्ट करना होगा। अब हम 3 पॉइंट में फेड करेंगे, 12 mm कॉम लगेगा और 0.3 तक जाएगा। नाउ रिप्लेस इट विद 9 mm कॉम, 0.2 तक जाएगा, और अब 6 mm कॉम 0.1 तक जाएगा। ऐसे ही हम पीछे से कट करेंगे और दूसरी साइड से कट करेंगे एंड यू विल बी ऑल सेट। अब ऊपर के बालों के लिए 3 लेन बनाएंगे और उसे 2 में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट लेन फर्स्ट पार्ट पकड़ा कट किया, सेकंड पार्ट पकड़ा और कट किया, सेकंड लेन बोथ पार्ट एंड थर्ड लेन बोथ पार्ट एंड डन। नाउ फॉर फाइनल टच, जो भी अनइवन बाल है उसे सीजर से कट किया साइड से और बैक से ट्रिमर से कट किया, इसमें आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ऑल्सो वीडियो में डिटेल से सब कुछ बताया गया है, इसीलिए थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप करेंगे तो 20 से 25 मिनट में हो जाएगा। ऑल्सो अगर आप एक बिगिनर हैं तो आराम से करिए और थोड़ा पेशेंस रखिए एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड स्टाइल। ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ बिग थम्स अप। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई यूजर नेम इज Himanshu_Yadwansi। आई पोस्ट अ लॉट मोर कंटेंट ओवर देयर, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन फॉर एवरी सिंगल अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। डू कॉमेंट फॉर एनी सजेशन एंड क्वेश्चन, आई विल रीड ऑल एंड रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून। पीस।